यहाँ से कस्टमर मिल जाते हैं हमारी दुकान के लिए, क्योंकि जो लोग कस्टमर यहाँ आते हैं ख़रीदारी करते हैं, जिनको हमारी चीज़ अच्छी लगती है तो वो हमसे हमारी दुकान का कार्ड लेके जाते हैं, बाद में अदरवाइज़ उन्हें चाहिए होता है सीधा हमारी दुकान पर आते हैं और वो हमसे वहाँ से ख़रीदारी करते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है हमारे लिए, केटरिंग फिर हमारे लिए ये बहुत अच्छा कर रहा है, तो काम भी इसमें बहुत अच्छा आ रहा है, शुक्र अल्लाह का, हम सब इसमें खुश हैं। हमारे कश्मीर का जो सैफ्रान है इस वक्त हम जो यहाँ पर सेल कर रहे हैं 250 रुपीज 1 ग्राम, दैट मीन्स 1 kg 2,50,000 रुपीज। प्रगति मैदान में 42वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हो रहा है। हम इस वक्त बिल्कुल प्रगति मैदान में मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है, और इस 42वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का अनवान है वासुदेविया कुटुम्बकम। आइए इंस्टॉल ओनर से जानते हैं और यहाँ मौजूद लोगों से जानते हैं उन्हें क्या फील हो रहा है यहाँ। जी आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद आबिद। जी आपको कैसे इस इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बारे में पता चला और कब आप यहाँ आए? इसका असल में पता तो पहले से ही था लेकिन कभी देखा नहीं था, तो इसलिए आए देखने के लिए कैसा होता है क्या होता है इसमें। तो हम आए थे यहाँ तकरीबन 12 बजे, तो अच्छा है। ख़ास किस बारे में आपकी शॉपिंग या आप किस बारे में आए थे? नहीं शॉपिंग के लिए नहीं आए, सिर्फ देखने कैसा होता है। हाँ शॉपिंग के लिए तो नहीं आए, सिर्फ देखने के लिए आए थे कैसा होता है ट्रेड फेयर। स्टॉल्स वगैरह पे आप गए? हाँ गए, उसमें देखा क्या क्या कौन कौन से किस किस के स्टॉल्स। उसमें ड्राई फ्रूट वाला देखा, अफगानियों को जो लगे हुए थे अंजीर वगैरह ड्राई फ्रूट जो भी थे सारे, और इधर वो राजस्थान वाला लगा हुआ था, मसाले वसाले थे उसमें सारे, पापड़ वापड़ गज्जक वो सब देखे। और फिर इधर हमने वो बीकानेर वाला था वो जो खाने का वो लगा हुआ है फास्ट फूड, उसका वहाँ से कुछ खाया, वो छोले भटूरे वगैरह पराठे कुल्लड़ वाली चाय पी और आइसक्रीम। लॉन होती है ना, लॉन लॉन से भी अच्छा कपड़ा होता है ये समर के लिए, इसे मसलिन कॉटन बोलते हैं। इसके अंदर अलग अलग डिज़ाइन अलग अलग कलर बहुत सारे मिलते हैं और ये मुंबई से आता है। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है, मैं 10 साल से इंडिया इंटरनेशनल फेयर में आ रहा हूँ। तो किस हिसाब से आप कहाँ से आ रहे हैं और क्या किस चीज़ का आप यू नो मटेरियल भेज रहे हैं? मैं तो कपड़े का ही करता हूँ, जब से शुरू करा है मैंने लेडीज़ कपड़े का ही करा है, और मैं दिल्ली से ही हूँ और मेरा जो फैब्रिक है सब ये अलग अलग जगहों से होता है, मैं अलग अलग जगहों से इकट्ठा करता हूँ तो मैं वैरायटी बनाता हूँ। जैसे मैं अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, सूरत हो गया, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इन जगहों से इकट्ठा करके एक अलग अलग चुनिंदा जो अलग अलग स्टेट के कपड़े हैं वो ले कर सब एक जगह रखता हूँ। ठीक है, किस तरह अगर ये इंडिया इंटरनेशनल फेयर की बात करें तो आपके बिज़नेस को ये किस तरह से एक बूस्ट देता है? हमारे बिज़नेस को एक तो हमारे को यहाँ से कस्टमर मिल जाते हैं हमारी दुकान के लिए, क्योंकि जो लोग कस्टमर यहाँ आते हैं ख़रीदारी करते हैं, जिनको हमारी चीज़ अच्छी लगती है तो वो हमसे हमारी दुकान का कार्ड लेके जाते हैं, बाद में अदरवाइज़ उन्हें चाहिए होता है सीधा हमारी दुकान पर आते हैं और वो हमसे वहाँ से ख़रीदारी करते हैं। तो आपका ये कहना है कि जो ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है ये आपके बिज़नेस को बूस्ट कर रहा है? बिल्कुल बूस्ट कर रहा है। नाम आरिफ है, तो कम से कम मुझे 10-15 साल इस हो गया, तो 10-15 साल से मैं ये लगा रहा हूँ। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बारे में कब से आपको पता चला और किस तरह से यहाँ दूसरे बिजनेस से ये बिजनेस अलग हो? ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है हमारे लिए, केटरिंग ट्रेड फेयर हमारे लिए ये बहुत अच्छा कर रहा है, तो काम भी इसमें बहुत अच्छा आ रहा है, शुक्र अल्लाह का, हम सब इसमें खुश है। हाँ जी 10-15 साल हो गए इस हमें जी। आपके पास क्या क्या अवेलेबल है? हमारे पास आपको कश्मीरी शॉल मिलेगा, पश्मीना शॉल मिलेगा, फेरन मिलेगा, कश्मीरी सूट मिलेगा, वूलन में कॉटन में हर कोई वैरायटी आपको हमारे पास मिलेगी। यहाँ पे इंडिया से ही कस्टमर्स आपके पास आते हैं कि या इंटरनेशनल रीच आउट हो जाते हैं? इंटरनेशनल भी आते हैं, हर कोई हमारे पास आता है।
नाम जावेद अहमद है, हम कश्मीर से, हमारी कंपनी का नाम पांपोर सैफ्रन फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, ये फार्मरों की कंपनी है। आई ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर्स एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। तो हमें यहाँ प्रगति मैदान में हम पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूसली, ये 14 वाले में जो ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लग रहा है उसमें हम हमेशा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस ईयर में भी हमने यहाँ पर जीआई टैग का सैफ्रन लॉन्च किया है हमारे जेएनके का। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि इन द मीन टाइम आई एम इन्वाइटिंग ऑल द पीपल्स ऑफ द दिल्ली एंड एंटायर दिल्ली, जो पीपल हमारे हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपको कश्मीर का प्रोडक्ट लेना है, यू कैन विजिट आवर स्टॉल इन हॉल नंबर 5, तो 6M हमारा स्टॉल नंबर है। आप आए, आनंद उठाए हमारे कश्मीरी प्रोडक्ट्स के। एज यू नो, हमारे कश्मीर के जो भी प्रोडक्ट्स है, जो वहाँ पर कल्टिवेट हो रहे हैं, जो जहाँ पर हमारी काश्तकारी हो रही है, जिन फलों की वहाँ पर काश्तकारी होती है, इनका अलग ही एक यूनिक टेस्ट होता है, यूनिकनेस होती है, इनकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है एज़ कम्पेयर टू एंटायर कंट्री और एंटायर वर्ल्ड। तो इस हवाले से मैं आपने जो हमारे भाई लोग यहाँ पर जो इसको लेना चाहते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स, कश्मीर प्रोडक्ट्स को, वो एक बार विजिट कर लीजिए हमारे स्टॉल में, हॉल नंबर 5 एंड स्टॉल नंबर 6M, वो आ सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर में हमारा ये प्रोडक्ट्स है, हमारे पास वॉलनट है, आलमंड है, सैफ्रन है, सैफ्रन ऑयल है, आलमंड ऑयल है, वॉलनट ऑयल है, सलाजीत है, ये इंजीर है, किशमिश है, मुनक्का है, बादाम है विद शेल विदाउट शेल, आलमंड है, और इसके साथ साथ हमारे बादाम का तेल भी है, वॉलनट का तेल भी है, हानी भी है, जितने भी हमारे कश्मीर के प्रोडक्ट्स हैं सब हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड मैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की बात करें तो आपने सैफ्रन लाया है, यू नो यू माइट हैव हर्ड सैफ्रन रिमेंस ऑलवेज द टॉक ऑफ टाउन, और क्या हमारे व्यूअर्स को आप बता सकते हैं कि कितना इससे ये सैफ्रन स्टार्ट होता है? हमारे कश्मीर का जो सैफ्रन है इस वक्त हम जो यहाँ पर सेल कर रहे हैं 250 रुपीज़ 1 ग्राम, दैट मीन्स 1 kg 2,50,000 रुपीज़। बट एक चीज़ गारंटी के साथ उनको सो बता रहा हूँ कि आपको हमारे स्टॉल पर प्योर मिलेगा, देर इज ओनली चीटिंग, नॉट देर बार्गेनिंग नॉट चीटिंग, श्योर इट इज़ प्योर। इनको यहाँ पर जो चीज़ मिलेगा वो असली होगा, वो कोई नकली की गुंजाइश ही नहीं, देर इज ओनली सॉर्ट ऑफ सिंगल एडल्ट्रेशन इन अवर सैफ्रन। तो वो यहाँ पर हमारे एक्चुअली हम तो फार्मर लोग हैं, वी आर कल्टीवेटिंग दिस सैफ्रन इन अवर ओन फील्ड, आई माई सेल्फ इन माई ओन फार्म, मुझे अपना फार्म घर पर है, मैं अपने फार्म में खेती बाड़ी कर रहा हूँ। आफ्टर दैट फ्रॉम कल्टीवेटिंग टू एंड पॉइंट मार्केटिंग पॉइंट तक हम खुद इसका सैफ्रन का प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, हार्वेस्टिंग सारा का सारा खुद ही कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर लोगों को हम ये पेश कर रहे हैं कि आइए, आप अगर आपको शुद्ध कश्मीर लेना है, शुद्ध कश्मीरी सैफ्रन लेना, यू कैन विजिट टू आवर स्टॉल एंड बाय कश्मीरी सैफ्रन। आपके बिजनेस को इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर किस तरह से बूस्ट करता है? मुझे लगता है कि ये इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर कंपनी पांपोर सैफ्रन फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, कि ये एक बहुत अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, लोगों का एक सैलाब आ रहा है, तो कम से कम बहुत ही हमारे स्टॉल पर तकरीबन एक दिन में 50,000 लोग विजिट कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि हमारे कश्मीर के प्रोडक्ट अच्छा रिस्पॉन्स आया है। हम लोगों से भी, लोगों के भी शुक्रगुजार है, और हमारे जो ITTPO का इनका भी जो ऑर्गेनाइजिंग एजेंसीज है उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, यानी हमें मौका मिले हैं। इसके साथ साथ हमारे SAPC का, जो हमारे SAPC इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, हमारे FPO का, हमारे NABARD जो है हमारी इम्प्लीमेंट एजेंसी है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमको मौका दिया है आने के, फैसिलिटेट किए हैं, हमारे यहाँ पर स्टॉल दिया है, सो दैट हमने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्प्लेस करके लोगों के लिए मुहैया कर दिया।